लग्जरी कार में बैठे पैसे की गर्मी की तपन में झुलसते इन साहब को देखिए। पहले तो बैरियर तोड़ टोल प्लाजा पर आगे बढ़ रहे थे, विरोध पर रोका गया तो भरपाई के लिए 500-500 रुपए के नोट हवा में उड़ाने लगे। नोट उड़ाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी क्या है और ये वीडियो कब का है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये वायरल वीडियो रायबरेली के एहार टोल प्लाजा की है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में सवार लोग लालगंज के धन्नीपुर गांव में किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। टोल प्लाजा पर कार सवार बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने लगे। विरोध करने पर कार सवार ने गाड़ी को बैक करके दोबारा से बैरियर में टक्कर मार दी। उन्हें रोकने पर टोल कर्मी और कार सवार के बीच विवाद हो गया। गाड़ी में मौजूद शख्स शराब के नशे में थे। जब इनसे टोल पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए कहा गया तो वे 500-500 के नोट निकालकर हवा में उड़ाने लगे। नशे की हालत में गाड़ी से पैसे लुटाने वाले शख्स का नाम राजेश सिंह राठौर है। गौरतलब है कि ये वीडियो 19 नवंबर का है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इसका मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। वीडियो वायरल होने के बाद CO वंदना सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके विषय में अवगत कराना है कि ये वीडियो एहार टोल प्लाजा के पास कुछ दिनों पुराना है। उक्त वीडियो में टोल प्लाजा और जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उनके मध्य समझौता हो चुका है। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, फिर भी वीडियो की जांच कराई जा रही है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।